कमर में। हाँ वो कमर जो ढीली सी लग रही है थोड़ी चाहत, तो बेल्ट है उसमें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और मैं जा रही हूँ मार्केट रक्षाबंधन की शॉपिंग करने, और साथ में चाहत का बर्थडे भी आने वाला है, तो उसके लिए भी शॉपिंग करना है, कपड़े वगैरह लेना है, तो वही जा रही हूँ मैं। तो बस ये थैला ले ली हूँ, इसमें भी कुछ है सामान, तो सूट वगैरह तो फिटिंग वगैरह कराऊँगी। तो बस चलिए चलते हैं मार्केट, और पार्लर भी जाना है। हाँ साथ में पार्लर भी जाना है, तो चलिए चलते हैं। बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है। बहुत सी है सिंपल, ये क्या होती है? हाँ मतलब ये अच्छी लगी थी। हेलो, ये और देखो बेटा। हाँ ये भी अच्छी है। हाँ ये पूजा की थोड़ी और फूल। तो गाइस देख लीजिए, यहाँ पे पचमढ़ी में ये अंकल की भैया की दुकान है, और बहुत ही अच्छी अच्छी राखी है इसमें। ये ओम नमः शिवाय की राखी है, और पहनने से खराब भी नहीं होगी, बहुत ही अच्छी राखी है। कौन सी ले लें? इसकी भी दे दीजिए और इसकी भी दे दीजिए भगवान के लिए। पूरा लल्ला के लिए भगवान के लिए भी दे दीजिए। और आपको कौन सी राखी चाहिए? भगवान के लिए। छोटी वाली था, इसकी दे दो बड़ी। एक मच्छी दे। ये वाली नहीं, ये वाली। भगवान के लिए। लाओ। ये वाले चूड़ा कितने रुपए भैया हैं? ये? हाँ? ये आप बताइए। तो गाइज हम आ गए हैं मार्केट, और रक्षाबंधन की तैयारी हो रही है। भगवान जी के लिए ये वाली राखी ले लिए हैं, और अभी बहुत सारे त्यौहार हैं, तीजा है, पूजा बहुत सारी होंगी, सब में राखी चढ़ाना होगा पूरा। पहले मेरा बर्थडे आ रहा है, बर्थडे। और चाहत का बर्थडे है, इसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें लेनी है अभी। तो सबसे पहले आ गए हैं हम यहाँ पे चूड़ी वाली दुकान में, यहाँ से चूड़ी राखी मेहंदी सब कुछ ले लेंगे। तो गाइस शॉपिंग करने के बाद हम लोग आ गए हैं ब्यूटी पार्लर। शॉपिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई थी, मतलब राखी और मेकअप का सामान वगैरह ले ली थी। अभी चाहत के लिए कपड़े लेना है, उसका बर्थडे है 1 सितंबर को, और वीर को भी रक्षाबंधन के लिए कुछ लेना है, कुर्ता पैजामे वगैरह। तो बस वही अभी थोड़े से मार्केट के काम बाकी है, बट अभी वीर चले गए हैं अपना ऑफिस, उनका ऑफिस से कॉल आ गया था इम्पोर्टेंट, तो वो चले गए हैं और हम लोग को छोड़ दिए हैं यहाँ पे ब्यूटी पार्लर में। तो अभी मैं थ्रेडिंग करवा रही हूँ, और इसके बाद मैं बस हेयर कट करवाऊंगी, थोड़ी से ही करवाऊंगी, मतलब ज्यादा नहीं कटवाना है, बस सिंपल सी कटिंग करवाना है। और चाहत को भी मैं बोल रही थी कि चाहत तुम्हारे भी थोड़े थोड़े बाल कटवा देती हूँ, तो कहती नहीं मम्मा मुझे कमर से नीचे बाल रखना है, उसको बाल लंबे रखने की बहुत शौक है, तो वो नहीं कटवा रही है। तो बस इसके बाद अब हम लोग जाएंगे वापस से मार्केट, और वहां से चाहत के लिए और बीर के लिए कपड़े खरीदूंगी, और फिर हम लोग घर चलेंगे। तो गाइस आ गए हैं चाहत के लिए यहाँ पे कपड़े लेने, और चाहत को कपड़े पसंद नहीं आ रहे हैं। देखिए इतनी सुंदर सी टॉप है, खाती पीती तो है नहीं कुछ, इसको खोलो चाहत दिखाओ, कुछ खाती पीती नहीं है, इतनी दुबली है कि कुछ भी। हाँ इतनी प्यारी टॉप है, बट इसके ऊपर ना ऐसे लगता है किसी डंडे को पहना दी। इसको ये देखोगी, तो
तो गाइस वहां से आने के बाद मेकअप का सामान ली, कुछ राखी भी ले चुकी थी पर चाहत को आनव के लिए थोड़ा फैंसी वाली राखी चाहिए थी, तो ये देख लीजिए ये वाली राखी ले ली है मैंने। अरे जल नहीं रही, हाँ ये वाली मेरी जैसे तो है, आपके लिए है ना? हाँ हाँ आपके लिए है। चाह थक गई कपड़े पसंद करते करते, चेहरे से पता चल रहा। ये इसमें बेल्ट दिया हुआ है, इसमें जॉइंट है अभी इसलिए निकाला। अच्छा वो बेल्ट है ना, कमर में आ जाएगा। हाँ वो कमर जो ढीली सी लग रही है थोड़ी चाहत, तो बेल्ट है उसमें। कपड़े तो बहुत अच्छे अच्छे हैं बट चाहत के ऊपर नहीं जम रहे हैं क्योंकि चाहत दुबली बहुत है। बहुत ही प्यारे कपड़े हैं, बहुत सुंदर कपड़े हैं। क्या हुआ, कैसा लगा उनको? उनको भी कहीं थोड़ा ढीला है। इसको टोस्ट लाके दे दो। पहचानती है डिब्बा, पहचानती है जिसमें टोस्ट रखा रहता है वो डिब्बा पहचानती है। वो डिब्बा खुलेगा तो दौड़ पड़ेगी। बस समझ गई, इसको हाथ कर दे, खोलो जल्दी, खोलो जल्दी। तो गाइज मैं मार्केट से आ गई हूँ और आते ही सबसे पहले चाय रख दी हूँ बनने के लिए क्योंकि अभी रात के 10 बज रहे हैं पर चाय तो पीना ही है। शाम का टाइम ऐसा होता है कि चाय तो पीना ही है, तो जब तक चाय नहीं पियेंगे तो सर भी दर्द होने लगेगा। तो चाय बनने को रख दी हूँ और खाने में बता दूँ, खाने में आलू गोभी की सब्जी बनी हुई है। मैं मतलब दो बार में ही ज़्यादा बना ली थी कि मुझे पता था कि मार्केट जा रही हूँ तो लेट हो ही जाएगा, पार्लर जाना था और चाहत के लिए कपड़े लेना था, राखी वगैरह, मतलब बहुत सारा काम था। ये तो पता ही था कि लेट तो होना ही है, इसलिए मैं सब्जी दोपहर में ही ज्यादा बना ली थी। सिर्फ रोटी सेकना है मुझे और चाहत को चावल बहुत ही पसंद है, तो चावल ऑलरेडी डेली रात में चाहत को चावल सुबह शाम चाहिए तो चावल भी रखा है, तो बस जीरा फ्राई कर दूंगी चावल का, थोड़ा सा घी वगैरह डाल के तो चाहत खा लेगी। तो बस जाऊंगी अभी कपड़े चेंज करूंगी और रोटी सेक लूंगी, बस आज का काम यही है। और चाय तो आ जाइए, आप लोग भी चाय पी लीजिए, चाय बन ही गई है। आते ही सबसे पहले चाय रख दी थी मैं बनने के लिए। पापा डांट रहे हैं आनव को, पता नहीं कहीं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, किसके साथ चला गया था? आज का ब्लॉग बस अब यही तक एंड करती हूँ। और आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा, पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और जो लोग चैनल में न्यू आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ न्यू ब्लॉग में, बाय बाय। बस चाय तो बनी गई।